कौशिक टंडन संवाददाता आप बीती जगबीती से। आज हम लोग बरेली स्थित बिग बाज़ार में आए हुए हैं। देखते हैं यहाँ पे कोविड 19 का प्रिकॉशन लेते हुए जो हमारे कस्टमर्स आ रहे हैं उनके लिए क्या क्या सुविधाएं करी गई हैं और किस तरीके से उन्हें प्रिकॉशन दिया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का क्या इन लोगों ने सिस्टम रखा है। आइए चल के अंदर को देखते हैं बिग बाज़ार में। ये यहाँ स्टार्टिंग में गेट पे सैनिटाइजर की व्यवस्था करी गई है सिक्योरिटी पर्पज़ से और सेफ्टी पर्पज़ से। इस तरीके से ये बाकायदा टेम्परेचर चेकिंग का यहाँ पे प्रोटोकॉल है। संवाददाता सुंदर अरोड़ा आपके साथ फिनिक्स यूनाइटेड में हूँ। जैसे कि आपको कौशिक टंडन ने आपको बताया था कि आज हम मॉल का सर्वे करने वाले हैं, तो आज हमको कुछ जो जानकारी बेसिक पता चली है वो ये है कि मॉल की अथॉरिटीज़ ने इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी इंजाइज करी हुई है, जैसे कि आपकी स्कैनिंग और थर्मल स्क्रीनिंग और सारी चीज़ों से लेकर के सारी चीज़ें इस मॉल में जो प्रोवाइड कराई जा रही हैं जो कि लोकल मार्केट में इस टाइम अवेलेबल नहीं है। जैसे कि अभी वो मॉनिटर कर रहे हैं कि कौन आ रहा है, कितना रेशियो आया, कितना रेशियो गया, सारी चीज़ें, और मॉल में इस चीज़ आपकी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखते हुए और चीज़ें करी जा रही है, अपडेट कर मॉल मेरे वाले मॉल में नहीं तो तुम्हारे। जैसा कि संवाददाता सिमरन अरोरा जी ने बताया, आज देखिए मॉल में जो इस समय छुट्टियों का समय चल रहा है, जैसा कि जो लॉकडाउन से पहले मार्च से पहले स्थिति रहती थी, यहाँ पे लोगों का क्राउड ज़बरदस्त रहता था और आसपास से लोग जो नियर बाइज हैं जैसे बहेड़ी हो गया, पीलीभीत हो गया, रामपुर हो गया और बदायूं हो गया और आसपास की जगह से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते थे और इन्जॉय करते थे, परचेजिंग करते थे। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि फिनिक्स मॉल में आज पब्लिक केवल उतनी ही रेशो में है जितनी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने एक पब्लिक को आने जाने का छूट दी हुई है। और गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के मॉल वाले पूरे अलर्ट हैं और कस्टमर को भी उसी रेशो से ये लोग एंट्री करवा रहे हैं ताकि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का किसी भी तरीके का कोई हस्तक्षेप ना हो और ना ही फिनिक्स मॉल में कोई ऐसा बात आए और कोई भी व्यक्ति ऐसा उनके संक्रमित उनको नज़र आता है। जैसा कि एंट्रेंस में लगाया गया था कि एंट्रेंस में जो चेकिंग के लिए लगाया गया है टेम्परेचर चेकिंग के लिए, और समटाइम कोई टेम्परेचर हायर टेम्परेचर का व्यक्ति होता है तो इन्होंने आउटसाइड में उसके लिए इंसुलेशन का भी प्रोविज़न किया हुआ है कि उसको वहाँ पे इंसुलेट करके और जो अथॉरिटीज़ हैं उनको वो हैंडओवर कर देते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये स्थिति है आज मॉल की कि क्राउड के नाम पे और लोग भी अपने आप को प्रिकॉशन लेकर के और सब तरीके से हर चीज़ का प्रॉपर डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए सारा सिस्टम से कर, और यहाँ की सिक्योरिटी भी लोगों को अवर कर रही है और यहाँ की सिक्योरिटी चारों तरफ एक एक जगह है कि कहीं भी किसी तरीके का कोई माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए, बिगड़ना नहीं चाहिए। जिस तरीके से ये देखिए ये मैकडॉनल्ड ये डोमिनोज का है, यहाँ पे लोग फैमिली के संग एंजॉय कर रहे हैं और उसमें भी पूरा डिस्टेंसिंग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, और जो फैमिलीज़ हैं ज़्यादा फैमिलीज़ को भी एंट्री ना करते हुए और पूरे सिस्टम के संग ये इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं
कि लोग प्रॉपर हर चीज़ का पालन कर रहे हैं। देख सकते हैं कि अब हम अंदर जा कर के लिवाइस के स्टोर मैनेजर से बात करेंगे कि वो किस हिसाब से सोशल मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हैं, कैसे प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं। तो हम अंदर चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ स्टोर पे बाहर हैंड सैनिटाइजर्स यूज़ करे जा रहे हैं, फुटप्रिंट्स बनाए हुए हैं, सारी चीज़ें। तो सर, मैं आपका 5 मिनट का समय ले सकती हूँ? सर, जैसे कि अभी मॉल खुल गया है, चीज़ें चल रही हैं, तो सर आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? क्योंकि आपके पास बल्क में लोग आते हैं, तो हाउ डू यू मैनेज देम? मैम, पहले तो हम लोग कस्टमर्स को एक साथ अंदर अलाउ नहीं करते। मोर देन 6 पीपल आर नॉट अलाउड इनसाइड द स्टोर। हाँ जी, 6 लोग एक बार में। सैनिटाइजर वैसे तो मॉल एंट्रेंस पे भी प्रोवाइड हो रहा है, फीवर भी मॉल एंट्रेंस पे चेक हो रहा है। फीवर हम लोग नहीं कर रहे क्योंकि मॉल एंट्रेंस जो भी कपड़ा ट्राई होता है तो हम 48 आवर्स के लिए अलग रखते हैं। उसको इनसाइड आउटसाइड स्टीम करते हैं, उसमें भी केमिकल डालते हैं ताकि वो कुछ भी ऐसा चांसेस कम से कम मिनिमाइज कर सके। ये मार्क्स हमने किए हुए हैं, कोशिश करते हैं कस्टमर को बताने की कि कम से कम डिस्टेंस रखिए 1-2 फीट का, और खुद भी ट्राई करते हैं कि उनसे 1-2 फीट दूर खड़े रहें। मास्क तो हर स्टाफ असल में पहनता है। हाँ जी। इसके अलावा जैसे जो हम स्टीमिंग करते हैं, और जैसे जैसे हर 4 घंटे के बाद जो हम उसका काउंटर यूज करते हैं, तो करते समय ग्लव्स का यूज करते हैं। नॉर्मल नहीं तो नहीं, बट जब हम 4 घंटे में केमिकल से अपना काउंटर या फिर जो मेन हाई टच पॉइंट्स हैं क्या अपना ट्रायल रूम साफ करते हैं, तो उसके लिए फिर हम लोग ग्लव्स का भी यूज़ कर रहे हैं। वो भी हम कंपनी ने प्रोवाइड कर रहे हैं सफिशेंट क्वान्टिटी में। इवन शील्ड्स भी प्रोवाइड है, अगर काउंटर पर ज़्यादा रश लगता है तो शील्ड भी पहन सकते हैं। कस्टमर तो शील्ड करेंगे। थैंक यू सो मच। आप देख सकते हैं इस टाइम हम बिग बाज़ार में हैं, और जो जिस टाइप से प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, थर्मल स्क्रीनिंग और हैंड सैनिटाइजर्स का प्रॉपर यूज़ हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा पालन करा जा रहा है। और आगे हम देख सकते हैं कैश काउंटर्स पे भी पूरी सिक्योरिटी फॉलो करी जा रही है, फेस मास्क से लेकर के फेस शील्ड तक लगाई गई है, प्रॉपर डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। और मैं सुनन अरोड़ा संवाददाता कौशिक टंडन के संग यहीं समाप्त करती हूँ आज की रिपोर्ट।